पर चार्ज में ये साइकिल कितना किलोमीटर चलती है, इसका प्राइस क्या है, ऑल स्पेसिफिकेशन क्या है, चार्ज होने में कितनी टाइम लगती है, yes guys, मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सुबह सिद्ध मलिक एंड यू आर वॉचिंग आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस बात करें तो इसके डिज़ाइन की, सो दिस इज डिज़ाइन बाय मैनचेस्टर एंड ये मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन, मतलब ये गाइस पहला ऐसा साइकिल है जो कि ब्रिटिश डिज़ाइंड है और मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियंस। एंड गाइस अब बात करें इसकी बॉडी की, तो ये जो है गाइस 6061 अलॉय से बना हुआ है, जिसके वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ये लाइट वेट है। जैसे गाइस ये 606 अलॉय होने की वजह से इसका जो टोटल वेट है लगभग 24 किलो एंड 25 किलो। एंड ये रहा गाइस इसका टोटल डिज़ाइन। एंड जो बैटरी पैनल है गाइस ये यहाँ पर है, ये लुक लाइक है, इट्स लुक लाइक है नॉर्मल बाइक बट इट इज़ द इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। जैसे जो टोटल बैटरी है गाइस वो यहाँ पर है एंड चार्जिंग इसके पीछे तरफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल के साथ ही साथ ये एक हाइब्रिड बाइसाइकिल है, हाइब्रिड क्योंकि ये एक माउंटेन बाइक एंड अ रोड बाइक का एक फ्यूजन बाइक है। क्योंकि गाइस ये इलेक्ट्रिक बाइक साइकिल होने की वजह से मैं इसे हाइब्रिड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो टायर देख रहे हो गाइस जो एक नॉर्मल स्पोर्ट बाइसाइकिल में होता है, जो रोड बाइसाइकिल होता है उसका टायर जो है थोड़ा थिक होता है, बट दिस इज़ द स्लिम टायर। एंड इसका अभी टायर का बात करें तो ये केंडा का मैनुफैक्चर्ड बाइक है, केंडा क्विक ब्यूटन। जबकि मैं आपको टायर की बात बता ही रहा हूँ, तो ये गाइस 27.5 mm का केंडा हाइब्रिड टायर है जो कि स्पेशली फॉर हाइब्रिड बाइसाइकिल के लिए मेड मैन्युफैक्चर किया गया है। एंड गाइस ये रिम की बात करें तो ये एलॉय रिम है, 100C डबल एलॉय का रिम है। एंड गाइस अगर सामने की बात करें तो ये गाइस देख रहे हो ये जो ये आप खुद से लगा सकते हो, ये खुद से आप ओपन कर सकते हो एंड इसे आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। अगर गाइस हम लोग सामने पे देखें, मैम का जो है फोर्क है, सस्पेंशन विद एडजस्टेबल लॉक है, यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो टोटली यहाँ पर लॉक कर सकते हैं हम लोग ऑन रोड एंड ऑफ रोड बाइकिंग के लिए। अगर आपका रोड मक्खन जैसा है, ऑन रोड चला रहे हो तो इसे हम लोग ऑफ कर सकते हैं, अगर ऑन रोड करना है इसे हम लोग इसे ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड बाइसाइकिल। एंड गाइज यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो जो ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर ड्यूअल डिस्क लगाया गया है, जो कि प्रो मैक्स का है, 160 रोटर ड्यूअल डिस्क, एक आगे भी है एक पीछे भी है। एंड यहाँ पर गाइज आप एक सामने तरफ देख सकते हो लो बीम हेडलैम्प है जो कि रात को ग्लो करता है, एंड इसे कैसे ऑन करते हैं मैं भी गाइज ये आपको बताऊंगा। एंड गाइज हम लोग पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर भी गाइज एक आपको मोटर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो कि 250 वाट का BLDC हब मोटर है, जिसका टॉप स्पीड ऐसा कंपनी की तरफ से बोला गया है कि जो कि 25% ये वाला मोटर जो आप देख रहे हो। एंड यहाँ पर गाइज शिमानो का गियर सेट है, एक गियर सेट मतलब शिमानो टर्नी, यू कैन सी दैट हियर इज द शिमानो टर्नी। पता नहीं कि शिमानो टर्नी क्या है, शिमानो टर्नी एक्चुअली बेस्ट गियर जो पेयर रहता है उसके लिए ये फेमस है, इसीलिए ये जो पूरा गियर सेट है, लाइक ये जो 6 socket 7 speed गियर बॉक्स है गाइस, एक पीछे 6 सामने 1, एंड ये जो सेट रहता है शिमानो टर्नी का होता है, एंड ये वाला 2 इधर आप देख सकते हो गियर पैनल का शिमानो का ये, और ये पीछे इधर आपको देखने को मिलेगा शिमानो टर्नी का पूरा जो सेटअप रिम में। एंड ये मोटर इसका जो टॉप स्पीड है 25 km/h इस तरह से बोलते हैं। सामने गाइस आपको एक विप्रो व्हील का क्रैंक मिलता है जो कि ई सेंसर के साथ है। ई सेंसर का काम यह है गाइस, जब आप इस तरह से पैडल करते हो तो ये सेंसर इन्फॉर्मेशन भेजता है मोटर तक कि कितना स्पीड चाहिए, उस हिसाब से मोटर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देता है जब ये ई मोड पे काम करता है। वो गाइस मैं आपको करके बताऊंगा थोड़ी देर में। इस तरह से करते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्पीड में घूमता है, बट जब इसे गाइस हम लोग इसे कंट्रोलर को ऑन करते हैं एंड ये गाइस लो मोड में इसे मिड मोड पे करेंगे, तो फिर देखिए गाइस जब मैं इसको ये करता हूँ घुमाता हूँ तो इसका स्पीड जो है थोड़ा काफ़ी बढ़ गया राइट। एंड इसे जब हम लोग हाई मोड पे कर देंगे, अब ये मैंने इसे हाई मोड पे कर दिया, अभी गाइस इसका स्पीड देख लो और भी ज़्यादा होगा, काफ़ी स्पीड कर रहा है, अभी तो मैं इसे घुमा नहीं पा रहा, ये इतना ज़्यादा स्पीड पे घुमा है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ पैडल असिस्ट। तो पावर्ड होता है इस बैटरी से जो कि 36 वोल्ट 5.8 लिथियम आयन बैटरी के साथ चलता है। एंड ये बैटरी गाइस नॉन रिमूवेबल है, बट
जब आपका ये बैटरी कभी ख़राब हो जाए तो ये बैटरी चेंजेबल है, बट ये बैटरी फ़िलहाल के लिए डिटरमाइंस कि अगर आपको साइकिल को चार्ज करना है तो आपको साइकिल में साथ में लेना जाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को हम लोग साथ में चार्ज करते हैं तो बैटरी खोल नहीं सकते, ठीक उसी तरह हम लोगों को एक पैनल है यहाँ पर पोर्ट, यहाँ पर गाइस चार्जर लगाना पड़ता है एंड इसे चार्ज हो जाता है। तो अभी कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि एक बार फुल चार्ज होने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, बट मैंने अभी तक ये ट्राई करके नहीं देखा है। एंड एक फुल चार्ज में गाइस कंपनी दावा करती है कि 25 टू 30 किलोमीटर तक चल सकते हैं, अगर आप पैडल असिस्ट का भी यूज़ करोगे तो 35 किलोमीटर तक जा सकता है। तो अभी मैं गाइस आने वाले वीडियो में मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि पर चार्ज में कितना किलोमीटर चलता है, दैट मीन्स अ माइलेज टेस्ट वीडियो। सो गाइस ये रहा इसका कंट्रोलर पैनल वाले, तो हमें यहाँ पर इसे ऑन कर लेना होगा। जैसे ये ऑन हो जाता है तो यहाँ पर चार आपको ब्लू रेड कलर का लाइट दिख रहा होगा, दैट मीन्स ईच एंड एवरी लाइट इज 25%। अगर आपका चार लाइट जल रहा है दैट मीन्स ये 100% बैटरी है, अगर एक डाउन होता है, तीन जलता है, दैट मीन्स आपका 75% है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इस बैटरी पे, इस साइकिल पे कितना चार्ज बचा हुआ है। तो ये रहा गाइस, अब इसे ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर एक स्विच प्रेस करना पड़ता है, जिस तरह से उसके बाद ये गाइस एक्टिवेट हो जाता है एक्सेलेरेट करने के लिए। तो जिस तरह से मैंने अब कंट्रोलर को ऑन कर दिया, अभी जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये गाइस अब देख रहे हो भाग रहा है, ठीक है टायर का। जैसे हम एक्सेलेरेट करते हैं तो ये करता है, जैसे मैं फिर एक बार एक्सेलेरेट कर रहा हूँ इधर, ठीक है, तो ये घूमने लगता है। इसके ऊपर है एक 6 किलोमीटर पर आवर, इसे आप होल्ड करके रखोगे तो अगर आप एक चलता हुआ आदमी, चलता हुआ दोस्त या फिर कोई जॉगिंग कर रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, उसके स्पीड को मैच कर सकते हो। ये आप प्रेस करके रखोगे तो ये साइकिल जो है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही चलेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। एंड ये गाइस मोड मैंने आपको बताया अभी पैडल असिस्ट किस तरह से काम करता है। अगर आपको साइकिलिंग करना है बट आपको जितना एफर्ट लग रहा है वो एफर्ट नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पर 3 अलग अलग मोड है। अगर आप लो मोड पर चलाओगे तो आपको सिर्फ 75% आपको एफर्ट देना है, बाकी 25% जो है बैटरी से चलेगा, और मिड पॉइंट में आपको 50% एफोर्ट देना है एंड 50% बैटरी से चलेगा, हाई पॉइंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 25% एफोर्ट देना है, बाकी का बाकी बैटरी चला लेगा। अगर आपको फिर भी आपको वो भी पैडल नहीं करना है तो इसे आप सिंपली एक्सेलेरेट करके चला सकते हो, और अगर आपको साइकिलिंग करना है तो इसे ऑफ कर दो कंट्रोलर को एंड आप साइकिल चला सकते हो साइकिल जिस तरह से। एंड यहाँ पर गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये 6+1 7 स्पीड गियर बॉक्स है, एंड इस गियर गाइस इसका जो है इस तरह से चेंज होता है यहाँ पर। सो ये गाइस मैंने अभी इसे गियर को पूरा डाउन कर दिया, अभी मैं इसे ऐसे उठाता हूँ तो ये एक गियर शिफ्ट हो गया, फिर भी इसे पैडल कर लेना है, बढ़ा देता हूँ देन इसे पैडल करना होगा, ये गियर जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये गाइस गियर शिफ्ट हो गया, ठीक उसी तरह हमें इसे डाउन कर लेना है तो ये डाउन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये गाइस हीरो टाउन मास्टर सिर्फ दो ही कलर पे आता है, एक ब्लू और एक ग्रे, एंड इसका प्राइस जो है गाइस, ये गाइस मैंने परचेस किया है 32,500 पे, लॉकडाउन के बाद शायद प्राइस थोड़ा इंक्रीज कर गया बट स्टार्टिंग में इसका जो प्राइस था 30,999 रुपीज़ था। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, एंड आने वाले वीडियोज़ में मैं इसका एक माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, एक स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ कि इसका टॉप स्पीड कितना होता है। एज़ पर कंपनी इसका टॉप स्पीड 25 किलोमीटर है, बट अगर आप साथ में पैडल असिस्ट भी यूज़ करोगे, चुप कर हाई हट, बैक टू द वीडियो। लगता है आज मुझे ये वीडियो शूट करने नहीं देगा, चुप हट। सो एज पर कंपनी गाइज इस बाइसाइकिल का टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर, अगर आप साथ में पैडल असिस्ट यूज करते हो तो आपको 30-35 किलोमीटर दे सकता है, बट मैंने अभी तक इसे टेस्ट नहीं किया, अभी मैंने इसे ठीक से चलाया भी नहीं है। सो अगर आपको ये सब वीडियोस देखना है, इसका टॉप स्पीड, इसका माइलेज टेस्ट, पर चार्ज में इसका चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताना होगा। बट ये सारा बेसिक नॉलेज जो मुझे पता थी इस साइकिल के बारे में वो मैंने गाइस आप लोगों को बता दिया। दिस इज़ द हाइब्रिड बाइसाइकिल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बाय हीरो इलेक्ट्रो।
एंड गाइज मैंने इसे परचेज़ किया है हीरो स्प्रिंट के शोरूम से जो कि चेलीडंगा में है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया है, अगर आपको इस बाइसाइकिल को छोड़ के और भी कोई बाइसाइकिल रिलेटेड इंक्वायरी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। सारा डिटेल्स गाइज एड्रेस फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो ये वीडियो गाइस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे गाइस पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।